हे गाइस, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप आप सब ठीक होगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो विंटर रिलेटेड है, क्योंकि विंटर हमारा जो स्टार्ट हो गया है कश्मीर में। तो हम अपने बर्ड्स या पेट्स जो भी हमारे घर में हो या आउटसाइड भी है, उनकी केयर करिए आप, ताकि आपको भी अल्लाह ताला उसका जज़ा देगा इंशाल्लाह। तो इस वक्त मैं बिस्तर में हूँ और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने रूम में था और बाहर से एक बिल्ली चला रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही फुकारा रैंडमली। तो मैंने खिड़की खोली तो वो आ गई है अब मेरे पास। वो मेरे बिस्तर में है इस वक्त। वो यहाँ से घुसी अब, और आई थिंक उसको बहुत सर्दी लगी है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी आप कोई बाहर या जो आपके घर में पेट है, उसको मेहरबानी करके अच्छे से केयर करें विंटर में, ताकि इन लोगों की भी जान है और हमारी भी जान। हमें भी सर्दी लगी। अब मेरी मेरी हालत देखिए, मैंने हुडन पहना और स्वेटर इतनी मोटी है कि आप खुद देख सकते। तो ये मेरा कहना ये था कि प्लीज़ जहाँ भी आप कोई एनिमल या कुछ भी देखे जो जिसके मुंह में जुबान नहीं है खाली, बस वैसे उसकी भी जान है, हमारी भी जान है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके हर किसी की केयर कीजिए आज, क्योंकि विंटर है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो मैंने ये नीचे से पता नहीं म्याओं म्याओं कर रही थी, तो मैंने इसको लिटरली अपनी जो खिड़की है मैंने ये वाली खोली। देखिए मेरी खिड़की अभी अभी भी ओपन है। मैंने इसको खिड़की खोली, मैंने इसको फुकारा तो ये चली आई सीधे मेरे बिस्तर में। ना इसका मैं मालिक हूँ, ना मैं कुछ हूँ, ना मैं इसको पाला है, ना मैंने कुछ। सीधी बेचारी मेरे बिस्तर में घुसी है इस वक्त, मेरे बिस्तर में है, और शायद इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, इस वजह से मेरे पास आई अपने जिसम को गर्माने के लिए। और आई थिंक मैं कुछ कल इसका शेल्टर वेल्टर बाहर कुछ बना लूँ, ये मैं सोच रहा था कि पहले इसको थोड़ी बहुत इस वक्त इसको रिलीफ मिले, ताकि इसको जो बाहर सर्दी लगी है उसको गर्मी हो जाए इस वक्त। तो आज रात मैं इसको अपने रूम में रखूँगा, इसको मैं आउटसाइड नहीं दूंगा जाने, क्योंकि कल सुबह देखते हैं इंशाल्लाह मॉर्निंग में मैं उसको कुछ शेल्टर वेल्टर बनाऊंगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट, मैं आप दोस्तों से करता हूँ कि मेहरबानी करके इनका इस वक्त ख्याल रखिए। जानवर है, इनके पास जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते, हमें क्या सर्दी है, हमें क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला ने हमने हमें उस चीज़ से नवाजा है, हमारे पास जबान है, हमारे पास सोच समझ है, तो उस लिहाज से हम इनकी केयर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो कहाँ है इस वक्त, मेरे बिस्तर में है। देखिए कहाँ है, देखिए बिल्ली बेचारी, ये बिना बोले जरा बोले। तो देखिए मेरा भाई आया, तो मैंने इसको बिस्तर में रखा था। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। देखिए इसके साथ कैसे खेल रही है, जैसे कि हम इसके मालिक है, हम उसको जानते हैं। तो पता नहीं, इधर इधर आ जाओ, इधर 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 इधर, कम हियर। सो गाइस, मेरे बोलने का ये मतलब है कि अगर आपके पास पेट है, यानी कि आपका पास दो जानवर है, उसको वैक्सीन ज़रूरी कराना है, ठीक है। तो अगर आउटसाइड भी कोई जानवर आपको मिलता है, प्लीज़ उसकी थोड़ी बहुत केयर करिए। या शेल्टर, टेम्परेरी शेल्टर आप बना सकते हो उसको। अगर आप उसको अपने घर में भी नहीं रख सकते हो, तो कम से कम उसकी दो केयर, या उसका फूड, या बर्फ़ आने वाली है, उस बर्फ़ में आपको एक काम करना है, प्लीज़ आउटसाइड कुछ दाने वाने होते हैं जो भी घर में, या खाना दाना या राइस बाहर डालना ज़रूरी, सो विंटर में। तो अगर आपको ये मेरी सजेशन आपको अच्छी लगी, तो मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए, तो चैनल पे बने रहने के लिए आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए जो इस वक्त पेट है वो मेरे सामने है, देखिए जो ना सॉरी जो मेरी, ये मेरा पेट नहीं है, पता नहीं किसकी बिल्ली है, तो हमारे घर में आ चुकी है। देखिए बिल्ली, ओ बिल्ली, आवाज तो हमको